जी सर, मैं डॉक्टर मनोज वर्मा अपने सभी नगरवासी और क्षेत्रवासियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आजकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन का जो एपिडेमिक हमारे यहाँ फैला हुआ है, इसमें बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो मनुष्य से मनुष्य में जाता है, इसलिए हम अगर इसमें कुछ एहतियात बरतें तो हम इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सर्वप्रथम हम खांसने वाले मरीज से 2 मीटर से कम दूरी बनाए रखें। खांसने वाला व्यक्ति ये एहतियात बरते, जब वो खांसे तो अपने मुंह पे टिश्यू पेपर रखें और मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, ये मेनली जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए लाभदायक है जो एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में है। दूसरा, मैं पब्लिक से कल जो जनता का कर्फ्यू जनता के लिए लगा है, जिसकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे इसका पालन करें, मैं भी कहूँगा कि वो इसका पालन करें और जो समय है उसे अपने घरों में रह के व्यतीत करें। ये कोई किसी को परेशान करने की वजह से नहीं है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि कोरोना का वायरस 12 घंटे तक जीवित रहता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 14 घंटे का समय दिया है, इसमें वायरस की श्रृंखला टूट जाएगी और वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम सावधानी बरतें, कल के कर्फ्यू में पूर्ण सहयोग दें और अच्छा आप लोगों का स्वास्थ्य रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।